अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा मंजूर और आप देख रहे हैं निदा मंजूर व्लॉग्स। तो आज की वीडियो जो है स्कूल के ऊपर है। मैं जा रही हूं अपने बच्चों के स्कूल क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी का जो है वो रजिस्ट्रेशन जा रहा है 9th क्लास के लिए, और स्कूल में हमें फ़ीस भी पे करनी थी और जो इनके प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी कुछ बात करनी थी। तो मैंने बोला चलिए हम लोग चलते हैं। और यहाँ स्कूल में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक अचीवमेंट सी महसूस होती है। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, वक्त इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से गुजर गया है पता ही नहीं चला। और ये जो है हमारे बच्चों, मेरे बच्चों का जो स्कूल है ये कोई 5 मिनट की ड्राइव पे है मेरे घर से। पहले बच्चे वैन में आते जाते थे, लेकिन अब ये है कि कोरोना के बाद से थोड़ा सा सेफ साइड होने की वजह से बच्चे एक ही वैन में बहुत सारे भर के ले जाते हैं वैन वाले। तो फिर हमने जो है पिक एंड ड्रॉप जो है वो अपने ज़िम्मे मंजूर ने रख लिया, तो अब मंजूर ही पिक एंड ड्रॉप करते हैं बच्चों को। ये आ गया है स्कूल। और ये बताती चलूँ कि ये वो स्कूल है कि मैंने अपने 9th के एग्ज़ाम्स यहाँ दिए थे, मैंने अपने प्रैक्टिकल्स 9th के यहाँ दिए थे। मेरा यहाँ सेंटर पढ़ा था और जब मैंने यहाँ एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे, मेरी बेटी 9th के एग्ज़ाम्स यहीं देगी। और एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है जब मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त तो मेरे माइंड में भी नहीं था जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे कि मैं बड़ी, मतलब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे होंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पर आया करूँगी, एज अ पेरेंट मैं यहाँ पर आऊँगी। हम स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, असेंबली का टाइम है और बहुत सारे बच्चे एंट्री हो रहे थे। यहाँ पर वाइट था जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, ये स्विमिंग पूल वाइट हुआ करता था, अब ये लोगों ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। और 9th के बाद हो गई थी मेरी शादी, फिर बाकी की मैंने जो अपनी तालीम है वो आफ्टर द मैरिज मैंने उसको परस्यू किया आगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था पढ़ाई करने का, मुझसे फ्री बैठा ही नहीं जाता। इंटीरियर भी काफ़ी ये लोगों ने चेंज किया है, यहाँ हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सर आएँ तो हम उसे डिस्कस करें और जो भी आगे की वो फर्दर जो है प्रोग्रेस वो करें, प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट करें फर्दर। और यहाँ पर फ़ीस जो है वो हम पे कर रहे थे और मुस्तफ़ा जो है वो ढोल बजाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। इनके जो प्रिंसिपल हैं खाली वो चेंज हुए हैं, नहीं तो पहले एक लेडी होती थी, अब जो है इनके प्रिंसिपल सर आ गए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे जो है बच्चों की असेंबली स्टार्ट हो चुकी थी, बस हम लोग निकल रहे थे अपना काम करके, तो बच्चों को सर ने एक लाइन में खड़ा किया एंड देन उन्हें बता रहे थे कि आप डिसिप्लिन में रहो और पाक सर ज़मीन शाहबाद के नारे। अरे भाई रुको, इसके बाद बच्चे चले गए क्लासेस में और हम आ गए अपने घर। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये छोटी सी एक बात है, एक छोटी सी वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करूं। और हम लोग घर जा रहे हैं, वापसी पर हलवा पूरी ली थी, नाश्ता किया और एज़ यूजुअल जो माँ बाप करते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, स्कूल भेज के हम जाके सो गए थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लाजमी किया कीजिए। कमेंट जो है वो एक अप्रिसिएशन होती है, एक बूस्टर के तौर पे काम करता है कि लगता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।